के हौसखास में बना डियर पार्क अब बंद होने जा रहा है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने डियर पार्क की मिनी जू के तौर पर मान्यता रद्द कर दी है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। अगर आपको भी दिल्ली का डियर पार्क पसंद है या आप भी डियर पार्क जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि दिल्ली के हौसखास में बना डियर पार्क अब बंद होने जा रहा है। सेंट्रल जू अथॉरिटी ने डियर पार्क की मिनी जू के तौर पर मान्यता रद्द कर दी है। देश की राजधानी दिल्ली में बना डियर पार्क अब खोने जा रहा है। भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने डियर पार्क की मान्यता को रद्द करने का फैसला ले लिया है। यहां मौजूद हिरणों को राजस्थान और दिल्ली के जंगलों में छोड़ने का फैसला लिया गया है। बताया जा रहा है कि भारत सरकार ने यह फैसला इसीलिए लिया है क्योंकि जानवरों की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। ऐसे में कर्मचारियों की कमी के चलते ये पूरा फैसला लिया गया है। वहीं जो जानकारी साफ तौर पर निकल कर आ रही है वो ये है कि 1960 में इस पार्क की शुरुआत हुई थी, तब यहाँ पर कुछ हिरण लाए गए थे। तब से लेकर अब तक इनकी आबादी में लगातार इजाफा देखने को मिला है, लेकिन डीडीए के कर्मचारी इतनी बड़ी संख्या में हिरण को संभालने के लिए ट्रेन नहीं है। ऐसे में यही तय किया गया जो ऑर्डर के मुताबिक है कि सेंट्रल जू अथॉरिटी के मेंबर सेक्रेटरी डॉक्टर संजय कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में 30 जनवरी 2023 को प्रस्ताव पर विचार विमर्श करने के लिए एक बैठक का आयोजित किया गया, जिसमें ये सुझाव दिया गया था कि मिनी जू में 600 जानवरों को रखा गया है। ऐसे में मान्यता रद्द होने पर जानवरों को 70% के अनुपात में राजस्थान और दिल्ली के जंगलों में छोड़ा जाएगा। वहीं आपको ये भी बता देते हैं कि 2022 में पहले ये प्रस्ताव रखा गया था, सभी हिरणों को राजस्थान के जंगलों में भेजने का फैसला भी लिया गया था, लेकिन बाद में सेंट्रल जू अथॉरिटी के अधिकारियों ने बैठक में ये फैसला लिया कि इनमें से कुछ को दिल्ली के ओसला भट्टी वन्यजीव अभयारण्य में ले जाया जाएगा और बाकियों को राजस्थान शिफ्ट कर दिया जाएगा। अगर आप भी डियर पार्क गए हैं और वहां पर आपने ढेर सारे डियर देखे हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि अगर आपको ये डियर पार्क पसंद है तो अब ये बंद होने जा रहा है। इस वीडियो पर आपकी अपनी क्या कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या आपको भी लगता है इस डियर पार्क को बंद कर देना चाहिए या फिर सरकार को और अधिकारियों को मिलकर कोई एक ऐसा फैसला लेना चाहिए ताकि दिल्ली की खूबसूरती और बढ़े और लोग जिस तरीके से वहां पर घूमने जाते हैं उसी तरीके से जाते रहें। फिलहाल के लिए बस इतना ही।